हेलो गाइस, तो आप लोगों का एक बार फिर से ओपीएस स्टडी सॉल्यूशन में स्वागत है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है हमारे बीवोस के क्लास 10th के जून जुलाई सेशन 2022 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है। दोस्तों, आज जो है हम आपको प्रीवियस ईयर का जो है हिंदी का क्वेश्चन पेपर करवाने वाले हैं। गाइज, इसी क्वेश्चन पेपर से आपके जो है इस एग्ज़ाम में जो है जून जुलाई सेशन 2022 के एग्ज़ाम में जो है जो भी हमारे 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, हिंदी का हु क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। तो इस क्वेश्चन पेपर को आप पूरा तैयार कर लीजिए अगर आपको एग्ज़ाम में 80% मार्क्स चाहिए। ठीक है ना, 80% मार्क्स चाहिए तो आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा रट लीजिए। ठीक है ना गाइज, चलिए गाइज वीडियो को शुरुआत करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो क्वेश्चन पेपर है वो दिसंबर परीक्षा 2021 का है। ठीक है ना, जो जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था, तो गाइज दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था वही ये पेपर है हमारा। देख सकते हैं क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 30 मार्क्स आपको पास मार्क्स चाहिए। ठीक है, 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है। चलिए गाइज वीडियो की शुरुआत करते हैं। आर यू रेडी? स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है गाइज, यहाँ पे हमारा देख सकते हैं आपको गदांश दे दिया गया। ठीक है ना, ये हमारा दे दिया गया है और इसी को पढ़ के है ना आपको नीचे में जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है 1 2 3 4 यार मक्खन है, 5 क्वेश्चन जो है ना ये हमारे कितने हैं, 5 क्वेश्चन आपको 2 नंबर के क्वेश्चन दिए गए, मतलब 10 नंबर का तो आपको ऐसे ही मिल जाता है यार देख के। जब मतलब आंसर उसी में से ढूंढना है, इसी में से ढूंढना है तो आपको आसानी से मिल जाएगा, आप ढूंढ सकते हैं। चलिए मैं गाइज आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको सबसे पहले इसको करना क्या है गाइज, इसको जो है ना 1 से 2 बार आप बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए जिससे कि आपको पता चल जाए क्या कहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक बता दिया। लेखक के अनुसार पांडवों की जीत क्यों हुई, क्यों हुई? तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने लक्षागृह की मुसीबत झेली थी, उन्होंने वनवास का जोखिम उठाया था, उन्होंने अनेक कष्टों का सामना किया था। सभी सभी दोस्तों आपको पता होगा जो दोस्तों मुसीबत का सामना करता है वही सक्सेस होता है लाइफ में। ठीक है ना गाइस, जो कठिन परिश्रम करता है, मुसीबत का जोखिम उठाता है, ठीक है, हिम्मत साहस दिखाता है, वही जो रहता है सक्सेस होता है। इसीलिए पांडव जो है सक्सेस हुए थे, विजयी हुए थे। ठीक है ना, तो ये चारों हो जाएंगे तो हमारा जो है क का हमारा 4 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब हो जाएंगे ये। बड़ी हस्तियों का विकास कब हुआ है? बड़ी हस्तियों का जो विकास है गाइज, यहाँ पे हमारा मुसीबत में बड़ी हस्तियों का विकास कब होता है, तो मुसीबतों में पलकर। ठीक है ना गाइज, यहाँ पे हमारा ये होगा, ये गलत मार रखा है। ठीक है ना गाइज, हमारा ख का 1 होगा आंसर। ठीक है, चलिए नीचे आ जाइए। जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत गुण क्या है? तो गाइज हिम्मत, जिंदगी की सबसे बड़ी गुण जो है क्या है, वो हिम्मत है। अगर आप में साहस है, हिम्मत है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, वो आपका सबसे प्लस पॉइंट होता है, क्वालिटी होता है। आप में हिम्मत दिखाइए, आप जिंदगी जीत लीजिएगा। चलिए गाइज यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने जिंदगी को कितनी सूरतों में बांटा है? तो गाइज 2 सूरतों में बांटा है यहाँ पे। ठीक है ना, ये गलत है, आप ऊपर में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आ जाइए गाइज। महाभारत में अधिकांश वीर किसके पक्ष में थे? तो पांडवों के, गलत मार रखा है, पांडवों के नहीं होगा यार, कौरवों के, पांडव तो बहुत कम थे यार। ठीक है ना, ये गलत मार रखा है। ठीक है ना, जो मैं बताया वो सही होगा। चलिए 3 होगा कौरवों के। चलिए गाइज मैंने आपको बता दिया, एक बार दोबारा से मैं बता दूँ। चलिए 1 का जो हमने 4 मारा है, ठीक है, नीचे आ जाइए, वहीं पे ख का हमने क्या मारा है, ख का हमने मुसीबतों में पल कर ख का 1 मारा है। ठीक है गाइज, नीचे आ जाइए। अब ग का देख लेते हैं, ग का हिम्मत ठीक मार रखा है, ग का 3 मारा। ठीक है, नीचे आ जाइए, घ का हमारा हो जाएगा 2 भागों में। ठीक है ना दोस्तों, और नीचे आ जाइए, अड़ा का हो जाएगा हमारा कौरवों। ठीक है, क्या हो जाएगा, कौरव। महाभारत में अधिकांश वीर किसके पक्ष में थे? तो कौरव की संख्या जो थी, कौरवों की जो संख्या थी वो काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाइए गैज, वाक में प्रयोग करते हुए लिंग निर्णय कीजिए। तो गैज यहाँ पे हमारा गंगा जो हो गया क्या हो गया, गंगा जो हो गया पुलिंग हो गया। ठीक है गैज, क्या हो गया, गंगा जो हमारा हो जाएगा वो पुलिंग हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी सॉरी, एफ है यहाँ पे, फीमेल हो गया गंगा, मैंने गलत बोल दिया, सॉरी दोस्तों, एफ लिखा है देखिए, लेकिन बोलने में हो जाता है कभी कभी, जल्दी जल्दी मैं बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, हमारा ये जो गंगा है नदी जो है ये हमारा फीमेल हो गया, क्या हो गया, फीमेल मतलब स्त्रीलिंग है। ठीक है गाइज, चलिए ये हमारा एफ से स्त्रीलिंग, एम से पुलिंग मैं डिनोट कर रहा हूँ। और ठीक है दोस्तों, शोषण हमारा हो गया, ये पुलिंग हो गया। ठीक है, और लोहा भी हमारा पुलिंग हो गया, सोना भी हमारा पुलिंग हो गया, और नाशपति भी हमारा पुलिंग हो गया। ठीक है ना, एक ही गाइज यहाँ पे जो है गंगा नदी जो है हमारा फीमेल हो गया, और सब जो है हमारा पुलिंग हो गया। ठीक है ना, ये सब जो है पुलिंग हो गया। ठीक है, और ये हमारा स्त्रीलिंग हो गया, समझ गए दोस्तों। तो चलिए मैंने आपको बता दिया।
नीचे आ जाइए दोस्तों। निम्नलिखित में मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ स्पष्ट करें। मैं आपको बिल्कुल बता देने वाला हूँ गाइज, आप एग्जाम में टॉप कर जाइएगा, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन रट लीजिए और जो भी मैं आंसर बता रहा हूँ सब सही है, ठीक है ना। आप एग्जाम में फिनिश कर दीजिएगा। और आपको अगर 80% मार्क्स चाहिए तो ये क्वेश्चन पेपर रट के जाइए। आप देख सकते हैं पिछले साल का भी बस ये सेम पूछता है, ठीक है। आंखों का तारा तो अत्यंत प्यारा है, ठीक है ना। आकाश के तारे तोड़ना, मैं बता रहा हूँ आप ध्यान दें, मुश्किल काम करना, ठीक है ना। आकाश पाताल एक करना, ठीक है ना। कठिन परिश्रम करना, आसमान सिर पे उठाना, उद्यम मचाना, ठीक है। और आग बबूला होना, गुस्सा करना, ठीक है ना, ठीक है ना। सिया जो है अपने भाई पे आग बबूला हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे आप इसको बना सकते हैं, सिया जो है अपने भाई पे आग बबूला हो गई, इसको आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है गाइज। चलिए नीचे आ जाइए गाइज, इस तरह से आपको सेंटेंस बना लेना है, सारे सेंटेंस बन जाएंगे। अब नीचे आ जाइए गाइज, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, देख सकते हैं हमारा उत्पत्ति के शब्दों का यहाँ प्रत्यय की परिभाषा लिखे, ठीक है। अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे तो पत्र तैयार कर लें। यहाँ पे हमारा अनुशासन पे क्या लिखना है, लेख लिखना है गाइज। यहाँ पे अनुशासन यार, डिसिप्लिन मेक्स द ग्रेट ऑफ द कंट्री, डिसिप्लिन वाला चीज़ है ये, ठीक है। आप आ जाइए गाइज, यहाँ पे 10 नंबर तो आपको कोई रोकने वाला नहीं, इसको मैच कर दीजिए और 10 नंबर मुट्ठी में कर लीजिए। क्या कर लीजिए, कितने हैं गाइज, यहाँ पे 10 नंबर है मुट्ठी में। चलिए चलिए गाइज, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक का जो हमारा क का जो 7 का जो हमारा क का आंसर हो जाएगा, मेरी बातों पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना गाइज। यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, और उसके बाद हमारा ये हमारा 1 हो जाएगा। लड़के ने देख के मारा हुआ है तो सब सही मारा हुआ है, ठीक है ना, जो मारा हुआ है। चलिए मैं यहाँ पे 2 ठीक है, ये भी ठीक मारा हुआ है। चलिए मैं जो ठीक है मैं मार देता हूँ, ये ठीक मार रखा है, ठीक है। ख का हमारा 1 हो जाएगा, ये भी ठीक मार रखा है, ठीक है। ग का हमारा ये गलत मार रखा है, ग ग का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ग का गलत मार, अरे चलिए मैं आपको जो है मार के बताता हूँ गाइस, ठीक है। इसका भरोसा नहीं है मुझे, आपको मैं मार के बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूँ, चलिए 7 का क का जो हमारा हो जाएगा गाइस 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ख का जो हमारा हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, जो मैं लिख रहा हूँ आप नोट कर लीजिए। ग का जो हमारा 5 नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद घ का जो हमारा हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अब ड का हो जाएगा हमारा गाइज, ड का हमारा हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया, नोट कर लीजिए। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। ड तक हो गया हमारा, कि कहाँ तक, ड तक हमारा हो गया। चलिए अब आ जाइए चौ का, आ जाइए चौ का देख लेते हैं गाइज। चौ का जो हमारा हो जाएगा 9 नंबर, चौ का जो हमारा सॉरी 7, चौ का हमारा 7 हो गया, ठीक है। छ का जो हो गया गाइज, छ का जो हमारा हो जाएगा, छ का हमारा 6 नंबर, ठीक है, 6 नंबर। उसके बाद ज का जो हमारा 9 नंबर, ठीक है, ये 9 हो गया। उसके बाद झ का हमारा 8 नंबर, ठीक है। उसके बाद ज का हमारा हो गया 10 नंबर, ये ठीक है, इस तरह से। चलिए गाइज थोड़ा सा मैं डिजिट में लिख देता हूँ तो अपना आप मिला लीजिएगा। क का हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अरे क का मतलब ये हो गया, ठीक है। अब ख का देख लेते हैं, ख का हमारा 1 नंबर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। चलिए मैं मिला ही देता हूँ, गांधी भेंट, तो गांधी भेंट जो है गाइज यहाँ पे हमारा 5 नंबर हो जाएगा, ठीक है ना गाइज। गांधी भेंट जो है यहाँ पे हमारा, गांधी भेंट जो है हमारा गाइज यहाँ पे 5 नंबर हो जाएगा, गांधी भेंट जो है हमारा 5 नंबर हो जाएगा, ठीक है। गांधी भेंट जो है हमारा 5 नंबर हो गया, एक बार मिला लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, 5 नंबर हो गया, ठीक है। गांधी भेंट 5 नंबर हो गया। अब घ का देख लेते हैं दोस्तों, घ का हमारा हो जाएगा 4 नंबर, घ का हमारा 4 नंबर, ठीक है, सही है। ड का हो जाएगा हमारा, ड का मैंने क्या बताया गाइज, यहाँ पे ड का हमारा 3 नंबर, ठीक है, कबीर, ड का हमारा 3 नंबर कबीर, ठीक है। चलिए यहाँ तक मार लिया आप लोगों, नीचे आ जाइए। अब स्वाधीनता, चौ का मैंने क्या मारा गाइज, चौ का मैंने मारा 7 नंबर, ठीक है, 7 नंबर, चौ का हमारा 7 नंबर, ये तो ठीक मार रखा है यार, शाबाश। छ का हमारा 6 नंबर, शाबाश, सब ठीक है गाइज इसका, ठीक है। अब ज का जो हमारा गाइज हो जाएगा 9 नंबर, बिल्कुल राइट है। और झ का जो हमारा हो जाएगा 8 नंबर, ठीक है, राइट है। और ये सबसे नौ नौ सबसे लास्ट वाला जो हमारा हो जाएगा 10। चलिए इसने ठीक ही मार रखा है, तो जो भी मिला है सब सही है, ठीक है गाइज। चलिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब चलिए गाइज नीचे में हमारा ये कुछ प्रश्न उत्तर है, आप इस तरह से आप लिख लीजिएगा। और एक और यहाँ पे गाइज, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, ये हमारा गदांश है, इसी में से आपको आंसर देने हैं, ठीक है ना गाइज। यार हिंदी में आप 100 में 100 ला सकते हो, ठीक है ना, इसी में से ऊपर में पढ़िए, इसके आंसर दे दीजिए, ठीक है।
अब नीचे आ जाइए, अब नीचे आ जाइए गाइस। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो है, निम्नलिखित काव्यांशों के आधार पर नीचे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शक्ति होती है मौन, और गहराई भी, और पवित्रता भी, पेड़ ने कभी नहीं कहा। क्या गाइस मस्त लाइन लिखा है, मैं कभी ऊंचा, मैं सबसे ऊंचा हूँ, और रोटी ने कभी नहीं बोली दुनिया में क्या मुझसे अच्छा है। ठीक है ना गाइस, ये आपको बोला जा रहा है और इसके आंसर दीजिए। ठीक है गाइज, बहुत ही आसान है, बहुत ही आप ये आप इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है ना गाइज, यहाँ पे आप परीक्षा शुल्क माफ़ करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक अनौपचारिकता चारिक पत्र लिखिए। ठीक है ना गाइज, यहाँ पे ठीक है, तो सबको आना चाहिए गाइज। यहाँ पे भावार्थ लिखें, ऐसी बानी बोलिए। ठीक है ना गाइज, आप ऐसी भाषा का यूज कीजिए, मतलब मुंह से ऐसी बोलिया बोलिए। ठीक है ना, मन का आपा खोए, मन का आपा खोए। ठीक है, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। मतलब गाइज आप ऐसा जो है बोलिए बोलिए, ठीक है ना, जो दूसरे को सुनने में अच्छा लगे। कुछ ऐसा मत बोलिए जो लोगों को बुरा लगे। ठीक है गाइज, आप लोग आप खुद अच्छा रहिएगा तो दुनिया अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको लिख देना है। ठीक है ना गाइज, मतलब आप मधुर बोलिएगा तो क्या है कि आप भी तन आपका भी मन अच्छा रहेगा, तो सुनने वाला भी आपको जो है पसंद करेगा। ठीक है गाइज, ये सारी चीज़ें हैं तो मैंने डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, चलिए गाइज, अब ये 5 नंबर का है, ये हमारा 6 नंबर का है। चलिए गाइज, ये हिंदी का मैंने आपको बता दिया सारा A to Z। गाइज वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है ना, पूरा मैं पूरा A to Z आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ, 100% सही। और मैं पूरा क्या करता हूँ, पूरा जो है आपको डेडिकेशन हो के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, पूरा जो एकदम पावर के साथ। ठीक है गाइज, तो हमारे साथ बन रहे और उसी हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए और एग्जाम में अच्छा कीजिए। हम लोग चाहते हैं कि आप एग्जाम में जो है टॉप करें। जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे पढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट एग्जाम में अच्छा करें। ठीक है, इसीलिए हम दोस्तों एक से एक एक क्वेश्चन जो है हम लोग आपको पूरा जो है पूरा परफेक्शन के साथ जो है बताते हैं, डिस्क्राइब करके बताते हैं, पूरा जो है वर्णन करके बताते हैं, कहीं भी आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है गाइज, तो चलिए गाइज, उसी तरह आप मेहनत करते रहिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आशा करते हैं गाइज वीडियो पसंद आई होगी। और भी इस तरह की वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर के तैयारी कर सकते हैं। हमारे चैनल पे सारे क्वेश्चन पेपर के आपको पहले साल इससे पहले जो एग्जाम हुआ है सबके अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, OP स्टडी सॉल्यूशन के आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहे और तैयारी करते रहे। ठीक है ना गाइज, आप लोगों को आपके एग्जाम की वेल विशेष, ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका एग्जाम जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो। चलिए गाइज, इसी इन्हीं शब्दों के साथ आज की जो वीडियो को हम एंड करना चाहेंगे। चलिए गाइज, आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो कर दीजिएगा लाइक शेयर, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे, थैंक यू सो मच। चलिए गाइज, थैंक यू।